फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये हिटाची कंपनी का स्प्लिट एसी है। 1.5 टन में ये स्प्लिट एसी आपको यहाँ पे, मैं जिसकी रिव्यू और डेमो देने जा रहा हूँ वो हिटाची कंपनी का स्प्लिट एसी है 1.5 टन में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये हिटाची कंपनी का 5 स्टार मॉडल है, जो कि काफी एनर्जी सेविंग है। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वैसे एनर्जी सेविंग होता है। दूसरा, ये आई सेंसर मॉडल है, विद आई सेंसर टेक्नोलॉजी है। आई सेंसर टेक्नोलॉजी इस मॉडल में आपको मिल रहा है कि ये ऑटोमेटिक कूलिंग करता है अकॉर्डिंगली। एक्टिविटी क्या है, रूम के अंदर कितने पर्सन है, किस साइड ज्यादा गर्मी है, उस साइड ऑटोमेटिक ये फ्लो चेंज कर देता है। ये इसका आई सेंसर है, आप कुछ देख रहे हो ये जो बड़ा सा लगा है, इसमें ये आई सेंसर है जो कि सेंस करता है कि किस एरिया में ये कूलिंग ज्यादा करनी है। ये हिटाची कंपनी का टॉप मॉडल है 5 स्टार में। ये एक हाई क्वालिटी का मॉडल है। इसकी पावर कंजम्पशन भी काफी कम है, जैसे कि आप जानते हो कि इन्वर्टर एसी की पावर कंजम्पशन वैसे ही कम होती है। तो इन्वर्टर एसी का ये जो मॉडल आप देख रहे हो हिटाची का, आई सेंसर के साथ आपको मॉडल यहाँ पे जो देख रहे हो ये काफी क्वालिटी में 100% पे और कॉपर में है। और इसके साथ आई सेंसर के साथ साथ आपको इसमें PM2.5 का माइक्रो फिल्टर भी ऊपर से मिल रहे हैं, जो कि डस्ट PM2.5 की डस्ट को भी अंदर नहीं जाने देते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और जो एसी बताने जा रहा हूँ वो है ओनिडा कंपनी का। ये जो आप देख रहे हो ओनिडा कंपनी का 3 स्टार एसी है। और ओनिडा कंपनी के 3 स्टार एसी की भी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो मॉडल है ये इसका सिल्क मॉडल है। इसकी कूलिंग पेस्ट 55 वाट है। और दूसरे आपको एक और मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसकी जो पावर कंजन वो भी कम है। ओनिडा का नाम कम है एसी में, लेकिन फिर भी ओनिडा की जो एसी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांड ये पुराना ब्रांड है, इसके जो टीवी वगैरह आते थे, लेकिन इसके एसी भी काफी अच्छे हैं, इसके लुक भी काफी अच्छे। और ये भी 100% कॉपर में आपको मिल रहा है। एक और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये ओनिडा का एसी, ये काफी हैवी मॉडल में, ये मॉडल जो दिखा रहा हूँ काफी हैवी मॉडल में आता है। और इसके अलावा इसमें क्या फीचर्स और फंक्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक चीज के लिए मैं सॉरी चाहूंगा कि ये जो वीडियो है मेरी गलती से ये वर्टिकल में इसकी रोटेशन चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, मुझे पता है। इसमें आप देख रहे हो जैसे फर इसमें R32 ग्रीन गैस यहाँ पे आपको मिल रही है, प्लस ये साइलेंट ऑपरेशन और आउटर टेम्परेचर 52 डिग्री के साथ और 4-वे स्विंग के साथ मिल रहे हैं। ओनिडा का ये एसी है जो आपको 4-वे स्विंग के साथ मिल रहा है। हालांकि बाकी कंपनियों की अगर आप एसी लेते हो तो कई कंपनी जैसे हिटाची होगी, पैना ही सिर्फ 4-वे स्विंग में आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हो जाते हैं 4-वे स्विंग के साथ। और इसका फ्लैप वो नीचे की तरफ है। दूसरे यहाँ पे इसमें डिस्प्ले आएगी, टेम्परेचर डिस्प्ले। और 4-वे स्विंग का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपको बार बार एडजस्टमेंट जो लेफ्ट राइट करनी है उसकी भी दिक्कत नहीं रहती। अप डाउन तो हर एक कंपनी देती है। इसी के साथ ये एक हाई क्वालिटी में 100% पे और कॉपर के साथ आपको ओनिडा का एसी मिल रहा है, जो कि एक काफी अच्छी क्वालिटी में है। और हिटाची और ओनिडा दोनों ही कंपनी अच्छी है, लेकिन आप अगर इनके एसी लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये पैनासोनिक का स्प्लिट एसी है 1 टन का, जिसका कि मॉडल नंबर है CSLC12VKY। और इस मॉडल है ये आपको 3 स्टार रेटिंग में मिल रहा है। और इस पे ये जो आप स्टिकर देख रहे हो 24 डिग्री सेंटीग्रेड का, 4 डिग्री का जो 24 डिग्री का जो स्टिकर लगा है, इसका ये मतलब है कि अगर 24 डिग्री से ऊपर आप 1 डिग्री भी टेम्परेचर इंक्रीज करके चलाते हो तो आपकी एनर्जी की काफी सेविंग करता है। और दूसरा, वैसे इसकी बाकी कंपनी के मुकाबले पावर कंजप्शन कम है, क्योंकि इसके जो इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर है उसकी जो मोटर है, मोटर की वाटेज कैपेसिटी है जो ब्लोअर मोटर की है वो ओनली 24 वाट DC मोटर है। बाकी कंपनी में AC आती है 130 वाट की। AC 130 वाट की मोटर अगर आपके मान लो 10 घंटे चलती है तो वो आराम से 1200-1300 वाट कंज्यूम कर जाती है, लेकिन ये अगर 10 घंटे भी चलती तो 120, 130 से 140 वोल्ट कंज्यूम करती है। दूसरा, इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जो आउटर मशीन है, जिसको हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं, ये इसका काफी बड़ा है। और जितना ही आउटडोर यूनिट बड़ा होगा उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जितना बड़ा आउटडोर यूनिट है और वो हीट एक्सचेंज उतनी करेगा। दूसरा, पैनासोनिक का ये आउटर मशीन आप देख रहे हो ये सिल्वर में है, ये सिल्वर कोई इस पर पैंट नहीं है, ये एक मेटल सीट है जिसको कोई सुपर डायमा सीट बोला जाता है। और ये सीट जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से बनी, मिश्रण से बनी है, जो कि बाकी कमरे मुकाबले ये बिल्कुल ही ज्वाइंट लेस है। इसमें कहीं पे ज्वाइंट नहीं है, पार्ट्स सिंपल डायरेक्ट पार्ट्स बनाए हुए हैं। दूसरा, आप इसका कंडेंसर देख रहे हो, ये बाकी कंपनी 30% लार्जर कंडेंसर है और काफी बड़ा है। और इसमें ये पाइप्स जो देख रहे हो इसमें 28 है, बाकी कंपनी में 14 आपको कॉपर पाइप्स मिलेगी। और इसके अलावा इस
कंडेंसर का बड़ा होने का आपको बेनिफिट ये है कि सिंपल भाषा में इसको बोला जाता है हीट एक्सचेंजर, और जितना बड़ा कंडेंसर होगा उतने हीट एक्सचेंज करेगा। और दूसरा इसमें आप ये जो फैन देख रहे हो मोटर फैन, जो कि एग्जॉस्ट फैन मोटर है, ये भी इसमें दो ब्लेड वाली है, ट्विन ब्लेड फैन मोटर है, जो कि ट्विन ब्लेड इसलिए कंपनी ने दिए हैं कि ज्यादा ब्लेड्स होते हैं तो हवा का सरफेस एरिया कटने का जो जगह होती है वो कम होती है, तो इसका जो है सरफेस एरिया हवा का कटने का ज्यादा होता है, जिससे कि हवा या हीट है वो उसको ज्यादा एक्सचेंज करेगा, और जो कंडेंसर है उतना ही जल्दी ठंडा होगा, तो आपके जो रूम के अंदर है जल्दी इंस्टेंट और कंफर्टेबल और फास्ट कूलिंग होगी, और आपके कंप्रेसर पे लोड कम पड़ेगा, जिससे कि आपकी एनर्जी सेव होगी। बाकी कंपनियों में इतना बड़ा कंडेंसर नहीं आता है। दूसरे इसमें ये जो आप देख रहे हो ये ब्लू कलर में नजर आ रही है, इनको फिन्स बोला जाता है। बाकी कंपनियों में फिन्स आपको सिल्वर मिलेंगे, इस पे एक कोटिंग है जिसको कि ब्लू फिन कोटिंग मिला है बोला जाता है। दूसरा इसमें फिन्स है वो 1 इंच के अंदर 20 है, बाकी कंपनियों में आपको जो फिन्स मिलेंगे वो 14 से 16 ही मिलते हैं। और इस फिन्स पे जो कोटिंग है ब्लू फिन, ये एंटी रस्ट कोटिंग है, कोई भी चीज को अगर रस्ट लगता है तो वो हवा मिट्टी और पानी की वजह से लगता है, तो एंटी रस्ट कोटिंग की वजह से इसको रस्ट नहीं लगेगा। और ये पाइप से फिन्स भुरने स्टार्ट नहीं होंगे आपके, और ये पाइप ढकी रहेगी, तो उसके वजह से पाइप है जो आपकी हवा के संपर्क से या धूप के संपर्क में नहीं आएगी, जिससे कि आपकी पाइप है वो हमेशा के लिए ठंडी रहेगी, और जिससे कि आपकी कूलिंग वो मेंटेन रहेगी काफी लॉन्ग टाइम तक। और इसका जो एग्जॉस्ट फैन है ये काफी बड़े साइज में है, और दूसरा दो ब्लेड में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फराटा पंखा आता है उसमें ब्लेड दो ही होते हैं, लेकिन वो हवा सबसे ज्यादा देता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो इसमें दो ही ब्लेड है। और दूसरा इसमें जो कंप्रेसर है वो भी सुपर ट्रॉपिकल कंप्रेसर पैनासोनिक यूज कर रही है, जो कि A++ ग्रेड का कंप्रेसर है। और इसकी जो कॉपर की मैं बात करूँ तो वो भी इसमें ग्रूड कॉपर पैनासोनिक यूज करती है, जिसका कि आपको बेनिफिट ये रहता है कि इसमें चिलनेस थोड़ी ज्यादा होती है बाकी कंपनी के मुकाबले, और इस आउटडोर यूनिट की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। और ये आउटडोर यूनिट सिर्फ पैनासोनिक में ही आता है, बाकी किसी कंपनी में नहीं आता, ये पैनासोनिक में ही आपको आउटडोर मिलेगा। एसी क्वालिटी किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगी, ज्यादा जो एसी मेन डिपेंड करता है वो आउटडोर।